बहुत देर हो गई आज। बुलबुल और दादी मेरा वेट कर रहे होंगे। आई होप उन्होंने सारी तैयारियां कर ली। आप रूम में थे? रूम में नहीं, वॉशरूम में था। हाँ वही, लेकिन आप वॉशरूम में नहा रहे थे तो आवाज क्यों नहीं आई? वो क्या है ना, मैं ड्रॉपर से बूंद बूंद टपका टपका के नहा रहा था ताकि पानी गिरने की आवाज ना, और तुम्हें पता ना चले कि मैं नहा रहा हूँ। वरना तुम मुझे कोई काम दे दोगी? इससे पहले कि तुम मुझे कोई काम सौंपो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज मेरी छुट्टी है और आज मैं आराम करने वाला हूँ, और मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए ना पास। वेरी नाइस। अच्छा है कि आप बाहर जाए। आज मुझे भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। आप घर पर नहीं रहेंगे तो मैं सुकून से काम कर पाऊंगी। बार बार कोई आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा ना। Oh, I can understand. I'm so hot. I'm so cool. मेरे होने से ना लोग अपने आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? कोई अपने बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पाल सकता है? No, गलतफहमी नहीं है, इसे टैलेंट कहते हैं। I'm multi-talented, superstar, rockstar अभी। अब इतनी सारी क्वालिटीज है मुझ में। गलती तुम्हारी नहीं है कि तुम उन क्वालिटीज को देख नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी नजर जो है वो कमजोर है ना। I've got an idea. तुम योगा ट्राई क्यों नहीं करती? क्या है ना, योगा वोगा करने से ना फोकस वोकस बढ़ता है। हाँ, काम आएगा तुम्हारे। ए, क्या कर क्या रहे हैं आप? I'm so positive, so energetic, मैं नेगेटिविटी को हटा रहा हूँ। क्या हुआ, मुंह फुला कर क्यों खड़ी हो? अरे इंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ बाहर फ्रेश होने। रात को मिलेंगे बेबी। You smiling, huh? तब तक के लिए miss me. Thank God ये चले गए। Oh my God, और लेट हो गई। आलिया। Yeah. क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही? भाई वो एक्चुअली मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम से जाना है। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी का पंक्चर हो गया है। You know, I'm just kidding. तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं भाई, जरूरी नहीं है। I'll just take a cab or something. Don't worry, I'll manage. See, I'll just... formality कैसी? मैं बाहर जा रहा हूँ, फ्री हूँ, मैं छोड़ दूंगा। Are you sure? Of course, I'm sure. Yeah, thank you, भाई. आप गाड़ी थोड़ा तेज नहीं चला सकते? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अर्जेंट काम है। अर्जेंट काम है? मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ जो तुम्हारे हिसाब से गाड़ी चलाऊ। देखो आज मेरा इसी स्पीड से चलाने का मूड कर रहा है। अगर तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम गाड़ी से उतर सकती हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज मेरा रुकने का मूड नहीं कर रहा, तो तुम्हें चलती हुई गाड़ी से कूदना होगा। ड्राइवर नहीं आया है तो आप मनमानी करेंगे? भाई इस बोगैम्बो की वजह से कहीं मेरा काम लेट ना हो जाए। प्लीज थोड़ा जल्दी चला लो ना, ऑलरेडी वेरी लेट। प्लीज सॉरी, मैं भूल ही गया, जाना कहाँ है? आगे से लेफ्ट लेंगे ना सिग्नल से, उसके बाद सेकंड गली से, वहां पर बैंक ऑपोजिट हाइट पार्क होटल। नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस। नया नया खुला है ना भाई, इसलिए आपने नहीं सुना होगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे फ्रेंड को किसी पार्टी के लिए बुकिंग करनी थी और उसने बोला कि जाकर बुकिंग कर दूं, रेस्ट ही मैनेज। इसलिए भाई बहुत अच्छा होटल है, आई थिंक इवन यू शुड ट्राई इट। अच्छा, एंड हाउ डू आई गेट देयर? उस होटल में तो आलिया को शाम को जाना था, फिर अभी क्यों जा रही? शायद पहले जाकर सब कुछ चेक करना चाहती होगी। और अब मैं क्या करूं, अगर मैं भी वही उतरी तो इसे जरूर शक हो जाएगा। मुझे यही लेफ्ट पे उतर। ओ तुम अभी गाड़ी के अंदर बैठी हो? अच्छा अच्छा अच्छा, लेफ्ट जाना है तुम्हें, तो तुम्हें काम करो, वो जो लेफ्ट का दरवाजा है ना जो लॉक है, उसे अनलॉक करो और गाड़ी से कूद जाओ। क्या हुआ, अभी तक तुम छलांग नहीं लगाई? इसे और तेज करो तब लगाओगी छलांग। ये छलांग लगाओ। ओफो मामा जी, आप एक काम कीजिए, आप उठने की कोशिश तो कीजिए। पुत्र लेटा हुआ हो ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, उठता हूँ ना गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है, फिर मुझे टॉयलेट का दरवाजा दिखता है। पुत्र दादी आप एक काम कीजिए, आप दी को फोन कीजिए और दी से पूछिए कि वो कहाँ पहुंची है। हाँ, मैं फोन लगाती हूँ। तूफान इतना शांत कैसे बैठा है, इतनी आसानी से मेरी बात कैसे मान गई? कुछ तो गड़बड़ है। सोच रही होगी कि जब मैं आलिया को ड्रॉप करने के लिए गाड़ी रोकूंगा तो ये भी साथ में उतर जाएगी, पर मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
दी का फोन? क्या करूं, उठाऊं कि नहीं? हेलो हेलो प्रज्ञा, बेटा तू यहाँ पहुंची नहीं अभी तक? मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। टेंशन मत लो, मीटिंग की तैयारी पूरी रखना। कैसी बातें कर रही है तू? मैं बोल रही हूँ बेटा, मैं दादी दादी बोल रही हूँ। आप जो भी बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और जल्द ही पहुँच जाऊंगी। तेरे आसपास कहीं अभी तो नहीं? हाँ, आज ड्राइवर नहीं आया था तो टैक्सी में आ रही। और हाँ, मीटिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना, ओके? यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बेटा, क्या बताऊँ तेरे को। मुझे तो लगता है प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। क्या प्लान कैंसिल करना पड़ेगा? मेरा मतलब है, आप जानते हैं ना मेरे लिए ये बिजनेस प्लान कितना इम्पोर्टेंट है, ये कैंसिल कैसे हो सकता है? तेरे मामा जी है ना, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है, बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, दवाइयाँ भी दी हैं, कोई असर नहीं हुआ, बेड पे से उठ ही नहीं पा रहे वो। ये प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जल्दी पहुंचू। ओके 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 ओके। आती है। आप गाड़ी जल्दी नहीं चला सकते? मुझे अर्जेंट काम है। देखो तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन प्लीज मुझसे बात मत करो, क्योंकि मैं और मेरी गाड़ी जो है ना वो हवा से बात नहीं करेगी। देखिए मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप जल्दी नहीं चलाएंगे ना तो मैं बाहर चीखने लगूंगी। बाहर लवली डे। डोंट ब्लेम मी लेटर। बचाओ बचाओ, देखो ये लोग मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं, प्लीज बचाओ बचाओ, प्लीज प्लीज हवलदार साहब, प्लीज हमें बचा लो बचा लो, किडनैप करके ले जा रहे हैं। भाई अरे गाड़ी नहीं रुक रहे, बचाओ, ये हमें जेल भिजवा देगी। थैंक यू। I'm so sorry, मुझे देर हो गई। मामा जी तबीयत कैसी है? बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी, बेहिसाब खाना खाया उन्होंने, 12 बार जा चुके, तेरहवीं बार। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। फिर से आलिया, आलिया अभी रेस्टोरेंट पहुंच गई। मैं जानती हूँ उससे बच के कैसे यहाँ तक पहुंची। क्या आलिया पहुंच चुकी है? अरे उसको तो रात का टाइम दिया हुआ था ना। दादी वो अभी आ गई, शायद चेक करना चाहती हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन अभी इस गड़बड़ का क्या करें? एक काम करते हैं, हम आलिया को फोन करते हैं और आलिया को बता देते हैं कि प्रोड्यूसर किसी काम में बिजी है और आज नहीं आ सकते, तो हम किसी और दिन मिल लेंगे, है ना? नहीं, 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 ऐसे आलिया को और शक हो जाएगा। तो दादी ठीक कह रही है, अगर वो डील करने से पहले प्रोड्यूसर से मिलने की शर्त रख सकती है तो अगर हम मीटिंग कैंसिल करेंगे तो उसे शक हो सकता है हम दोनों पे। पर दी मुझे एक बात बता, नया प्रोड्यूसर कहाँ से लाएंगे? अगर नया प्रोड्यूसर हम लेकर भी आते हैं तो वो उस टाइप की एक्टिंग कैसे कर पाएगा जिस टाइप की एक्टिंग मैंने सिखाई है उन्हें? तू एकदम ठीक बोल रही है बुद्धि, ऐसी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता जैसी तूने मामा जी को सिखाई थी। एग्जैक्टली दी, वही तो मैं कह रही हूँ, सिखाने की जरूरत ही क्या है जब रेडीमेड प्रोड्यूसर तैयार है हमारे पास। कौन प्रोड्यूसर? तू। मैं? हाँ तू, तू मेरी बात कर रही है? हाँ। नो 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 नो, यस 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 यस, नो नो, क्योंकि बुलबुल तूने सब कुछ सिखाया मामा जी को, प्रोड्यूसर कैसे बोलता है, प्रोड्यूसर कैसे चलता है, सब कुछ। मतलब प्रोड्यूसर की एक्टिंग तुझसे बेटर तो कोई नहीं कर सकता। तूने तो मुझे फंसा ही दिया। मैंने कहा फंसाया, उल्टा तू तो मुझे फंसने से बचा रही है। वैसे रात की पार्टी की जगह ना फिक्स्ड है। कौन सी जगह? आलिया बता रही थी कि पास में कोई हाइट पार्क होटल है, वहीं पर चलेंगे। शी वाज सेइंग इट्स डैम गुड। परफेक्ट, साउंड्स गुड, बट एक बार बताइए इवनिंग तक क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे मुंबई घूमेंगे, मुंबई दर्शन करेंगे, देखेंगे मुंबई में क्या क्या बदला है, इट्स बीन अ व्हाइल। व्हाई नॉट, बट ड्राइव कौन करेगा? ड्राइव तो ऑब्वियसली तू ही करेगा, और कौन करेगा? नहीं नहीं भाई, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, तेरे को पता है मेरी टांगे वैसे ही कल से बहुत दर्द हो रही है और मैं वैसे ही बहुत थका हूँ, और अगर और ड्राइव करके कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो। मैं कह रहा था कि पूल खेलना चाहते,
जैसे पहले खेलने जाते थे। लेट्स गो एंड प्ले। नहीं यार, पूल वूल नहीं खेलूंगा मैं तेरे साथ। वो क्या है, अगर पूल खेलते वक्त बुलबुल का फोन वोन आ गया ना, तो तुम मुझे और पूल गेम को छोड़कर बुलबुल के पास भाग जाएगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, आज का पूरा दिन तेरे लिए बुक्ड है। अगर उसका फोन आएगा भी तो मैं उठाने नहीं वाला। ए? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। क्या खराब क्या होगा? तेरे चेहरे को देख के लग रहा है कि यू आर स्क्रूड।